तो यहाँ मैं अपने मंदिर को अब सजा रही हूँ। मैं माला भी लेके आई थी और फूल की माला भी लेके आई थी, तो यहाँ मैं मंदिर को सजा रही हूँ। और वीडियो जो है मेरा बेटा बना रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत वीडियो हिल भी रही है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ये मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई है साथ में, और ये मेरी बेटी है जो ऐसा मुंह बना रही है, और मिक्की माउस वाला हेयर बैंड लगा रखा उसने। और यहाँ मैं अब मंदिर को अपने सजा रही हूँ। लाइट की भी थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके लिए भी मैं सॉरी कहना चाहूँगी। और यहाँ मैं अब फूलों की माला से सजा रही हूँ। पहले मैं उनके लिए मोतियों की माला लेके आई थी, और अब मैं फूलों की माला से सजा रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अशोक के जो पत्ते आते हैं वो भी लगा रही हूँ। पहले मैं इसको लगा लेती हूँ, और यहाँ पे जो डोरियों में दी गई थी माला, लड़ियों में दी गई थी माला, तो मैं और मेरी मदर इन लॉ उसको अब लड़ी को जो है माला में बना रहे हैं, उसको बांध रहे हैं उसकी गांठ को। तो यहाँ मैं इस तरीके से अपने मंदिर को सजाती हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना होता है उतना तो कर ही लेती हूँ। और यहाँ अब मैं दिया लगा रही हूँ, उस पर पान के आम के पत्ते लगा रही हूँ। और ये जो दिया है ये मैं ऐसे ही लेके आई थी, इस दिए को मेरे बेटे ने पेंट किया था, और ये कितना सुंदर लग रहा है पेंट। ये अंदर भी ब्लू और ये बाहर भी उसी ने ही पेंट किया है। मेरी बेटी की पेंटिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अब मैंने कलश को स्थापित कर दिया है, और यहाँ पे अब मैं ये जो भगवान को चढ़ता है वो सब चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। थोड़ी सी वीडियो हिल रही है क्योंकि बेटा जो है बेटा वीडियो बना रहा है, इस वजह से वीडियो जो है हिल रही है। और मैं टीका लगा रही हूँ भगवान जी को यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं मिठाई चढ़ा रही हूँ भगवान को। मिठाई हम लोग बहुत ज़्यादा लेके नहीं आते हैं, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ मिठाइयों की, तो हम लोग मिठाई खाना अवॉइड करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आती हूँ मिठाइयों में, बहुत ही कम हम मिठाई लेके आते हैं। अब यहाँ पर मैं दिया लगा रही हूँ, तो जितने दिए मैं लेके आती हूँ सारे दिए लगा लेती हूँ, साथ सारे दिए जलाती हूँ, फिर प्रज्वलित करती हूँ उसको।
की जोत में जला लेती हूँ। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सूर्य देव की जय। शनि भगवान की जय। तो आरती हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है और अब मैं भगवान को अब अपनी सासू माँ के पैर छू रही हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी पूजा तो हो चुकी है समाप्त। अब मैं जा रही हूँ नीचे दुकान में इनके साथ भी पूजा करने के लिए। अब यहाँ मेरा बेटा भी मत्था टेक रहा है यहाँ पे और अपनी दादी के ही पैर छुएगा। हमारे में बेटियाँ पैर नहीं छूती हैं, जैसे कि नेक्स्ट लास्ट ब्लॉग में आपको मैंने बोला ही था, मेरी बेटी मत्था टेक रही है यहाँ पे। हाय गाइस, अशोक शिशा व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आज दिवाली है और मैंने पूजा खत्म कर दी है और अब मैं जा रही हूँ यहाँ दीपक लगाने, जैसे कि बहुत सारे पटाखों की आवाज आ रही है और हम भी लाए हैं, लेकिन हम लोग ग्रीन वाले जो क्रैकर्स हैं वो लेके आए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने हस्बैंड के शॉप में जा रही हूँ, वहाँ पे उनके साथ पूजा करूंगी और आगे का वीडियो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं नीचे की तरफ आ गई हूँ और यहाँ बना रही हूँ, यहाँ दिए वगैरह भी मैंने लगा रखे हैं। मैं जीने के साइड में नहीं लगाती हूँ क्योंकि जलने का डर रहता है, तो मैं नीचे लगाती हूँ। और यहाँ ये बाहर का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ, अपने घर के बाहर का सीन दिखा रही हूँ। कितनी भीड़ भाड़ है, मेरे यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। और ये मेरा बेटा है, यही वो सीन है जब वो पटाखे जला रहा था, उसके पापा भी साथ में खड़े थे और किसी को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मेरे बेटे का हाथ जो बिल्कुल सही है, अभी वो चरखी जला रहा है, लेकिन इसका जो हाथ जला था वो अनार बम से जला था। इसकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, बस वो उसने जलाया ही था तभी वो फूट गया। और ये वही सीन है, बस यहीं से स्टार्टिंग हो रही थी। तो आगे का व्लॉग मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि क्या हुआ, जब बच्चे जो है क्रैकर्स जब क्रैक करने के लिए गए तो अक्षत का क्या हुआ, उसका हाथ जो है पूरा बंद हो गया। ये जो पूरा उसका हाथ था पूरा बंद हो गया, स्किन पूरी उतर गई। और मैंने सोचा था कि आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मेरे बेटे का जो हाथ था वो बहुत ज़्यादा जल गया। उसी टाइम में तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले गई, तो मैं हमारे घर के पास ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बड़ा, मैं वहां लेके गई। लेकिन हुआ क्या कि वहां इतनी भीड़ थी, बेटे से ही मिलवाऊंगी आपको अभी, अजय बेटा। तो वहां क्या हुआ, इतनी लंबी भीड़ थी कि सीधा उन्होंने हमें बोला, स्लिप ली, मेडिसिन लिख के दी और उन्होंने बोला कि आप सीधा पहले ऑपरेशन थिएटर में जाओ। तो वहां मैं गई और तो वहां मैं और मेरे हस्बैंड थे और मेरा बेटा इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्लाता ऐसा लगा था कि वो बेहोश हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका हाथ, मतलब ये पूरा स्किन उतर चुका है और ये मतलब स्वेलिंग भी हो गई है इसके, यहाँ पे भी जल गया था, ये भी जल गया। देखिए आप देख सकते हैं आईब्रो जो है बिल्कुल मतलब जल गया, यहाँ पे इसका स्किन पूरी उतर गई है। तो वही है कि होना लिखा था, हम तो बहुत सावधानी बरतते हैं लेकिन होना लिखा था हो गया, कि इसके पापा भी साथ में थे, ऐसा नहीं कि हम बच्चों को अकेले ही करवाते हैं। तो अब इसका देख सकते हैं कितनी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन हम लोग तो ग्रीन वाले क्रैकर्स लेके आए थे जो पोल्यूशन फ्री होते हैं, वो उसके फेवर में भी नहीं थे, लेकिन बच्चे आजकल के मानते कहाँ हैं। तो ये लेके आए थे और इतना मतलब ऐसा हो जाएगा वो भी सेफ नहीं है, और बहुत ही मतलब बुरी तरह से हुआ, होने को तो बहुत बुरा हो सकता था, इसकी आँखें जा सकती थी, पूरा मुँह खराब हो सकता था। और मैं क्या बताऊँ, उस समय तो मतलब मैं उस समय पूरियां तल रही थी किचन में जब ये चिल्लाया इतनी बुरी तरीके से, और मेरी बेटी बोल भी रही है, मेरी बेटी तो डर के ऊपर भाग रही थी और मेरी बेटी बोल भी रही थी मम्मी भैया का हाथ जल गया। मैंने कहा ऐसे थोड़ा सा लग गया होगा हाथ में, लेकिन जब ये ऊपर आया है इसकी स्किन पूरी ऐसे लटक रही थी हाथ की और बहुत ही बुरा हाल हो गया। तो मैंने इनको कहा आप तुरंत पहले हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने डॉक्टर ने लिख के तो दे दिया, लेकिन इतनी भीड़ थी कि इसका नंबर नहीं आता और पता नहीं क्या होता। फिर मैं सीधा इसको प्राइवेट नर्सिंग होम ले गई, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा मतलब काफी देर बाद रिलीफ मिला। फिर मैं घर पे करीब 12:30 बजे हम लोग घर पे आए,
खाना वाना खिलाया बच्चे को, उसके बाद दवाई खिलाई। अब इसकी ड्रेसिंग करने के लिए बोला है, हर डे आफ्टर टुमारो इसकी ड्रेसिंग होएगी। तो जैसा कि कल भाई दूज है और मैं अपने घर जाऊंगी, अगर बहुत ज्यादा मतलब इसकी स्किन तो निकल गई, और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि स्किन आने में काफी टाइम लग जाएगा और नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बहुत टेंशन थी, मतलब बच्चे को मेरे भगवान ने बचा लिया। जिस समय अक्षत का लगा तो बहुत बुरा था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कर दिया मम्मी। तो मैंने इसको यही बोला, बेटा भगवान ने अच्छा किया, ऐसा नहीं किया, भगवान ने आपको एक जो है सबक दिया है कि इससे ज्यादा हो सकता था लेकिन आप बच गए हो, आप इतने में ही बच गए, आपको सबक मिल गया, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको सबक मिल गया कि इससे क्या बुरा हो सकता था, आपकी आंखें जा सकती थी। और जहां मैं जिस नर्सिंग होम में गई थी वहां डॉक्टर एक मेरे को बोल रहे थे कि लास्ट टाइम एक ऐसे ही बच्चा आया था और ऐसे ही उसका भी अक्षत का हुआ क्या था, जो अनार बम होता है ये वो जलाने गया था, जला दिया लेकिन इसे सोचा कि जला नहीं, ये दोबारा चला गया, एकदम से वो बस्ट हो गया, एकदम से बस्ट हो गया वो, और मतलब बहुत बुरा था। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो उसकी तो आंखें ही चली गई, वो डॉक्टर बोल रहे थे उसकी आंखें चली गई और आज तक उसकी आंखें नहीं आई, और एक हाथ भी उसका जाना पड़ा, एक हाथ भी उसका काटना पड़ा। तो बहुत ही मतलब मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि, और जो मेरे लिए बहुत मेरे जो वेल विशर्स हैं उनकी भी, तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता था लेकिन बच्चा मेरा बच गया। इसमें थोड़ा सा और इसके लगी भी राइट हैंड में है और वेनेसडे से स्कूल भी स्टार्ट है, लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताने आई थी कि आगे का व्लॉग में कुछ भी क्रैकर्स वगैरह का वीडियो नहीं बना पाई, यही कारण था। जैसे ही बनाने वाली थी वैसे ही इसके साथ ये हादसा हो गया। तो बच्चा मेरा ऐसे ही है और बस आज मैं आपके लिए यही शेयर करने आई थी। और आई होप अगर मैं बना पाऊँ भाई दूज का वीडियो, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ही खराब है इस टाइम भी, और जैसे ही मैं घर जाती हूँ तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ, मेरे से फिर वीडियो बन नहीं पाता है। सोचती तो हूँ कि वीडियो कंटिन्यू करूंगी लेकिन वीडियो कंटिन्यू हो नहीं पाता है। तो फिर अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं भाई दूज का वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।